हे गाइस, नितिन और मेरे चैनल आपको स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेगा फोटोग्राफी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोग्राम। ये इंस्टाग्राम का भाई तो नहीं है? बहुत खराब जोक था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिस्टोग्राम होता क्या है, क्यों ये जरूरी है एंड कैसे आप इसको मास्टर कर सकते हो फोटोग्राफी गेम को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोग्राम होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो आपका कैमरा ग्राफिकल वे में हाईलाइट, मिड टोन एंड शेडो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करता है। एंड जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको टोन कर्व के बारे में बताया था कि उससे मिलता जुलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि टोन कर्व आपको एडिटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लाइक आप उससे हाईलाइट और शेडो को बूस्ट कर सकते हो, अपने पिक्चर को इन्हेंस कर सकते हो। बट हिस्टोग्राम आपको फोटोशूट के टाइम पे ही बहुत हेल्प करता है। लाइक अगर आप हिस्टोग्राम को देखो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी हाईलाइट ज्यादा तो नहीं हो रही है, या आपका शेडो बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, यानी आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रही है, अंडर एक्सपोज तो नहीं हो रही है। एंड आप फोटोशूट के टाइम पे ही अपनी पिक्चर को परफेक्ट कर लोगे, जिससे कि आपका पोस्ट प्रोसेसिंग वाला टाइम बच जाएगा एंड ओवरऑल जो आपकी फोटोग्राफी है वो इन्हेंस हो जाएगी। नाउ अब बात करते हैं कि हिस्टोग्राम आपके लिए जरूरी क्यों है। एंड ये रीजन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर के लिए जानना, कि आपका जो कैमरा का LCD है वो एक्यूरेट नहीं होता है। जी हाँ, जो आपका कैमरा आप देख रहे हो उसकी कलर एक्यूरेसी बोल लो चाहे ब्राइटनेस बोल लो, वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता है। एंड ये डिफरेंस आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप अपनी पिक्चर को एडिट करोगे अपने किसी कलर कैलिब्रेटेड स्क्रीन पे या बड़े स्क्रीन पे। तब आप देखोगे डिफरेंस कि जो कलर आपने एक्चुअल में देख रहे हो वो आपके कैमरे में तो रिकॉर्ड सही हो रहा है, बट आपके LCD में सही नहीं दिखा रहा है। क्योंकि आप उसको अगर आप कलर एक्यूरेटेड स्क्रीन पे देखोगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए आप अगर डिपेंड करते हो अपने LCD पे, उस कंडीशन में हिस्टोग्राम आपके लिए एक सेवियर की तरह काम करता है। ये आपको बताता है कि आपकी इमेज में हाईलाइट का लेवल कितना है, मिड टोन का लेवल कितना है एंड शेडो का लेवल कितना है, या आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रही है, अंडर एक्सपोज तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिस्टोग्राम बताता है। कैसे? बिकॉज हिस्टोग्राम में भी सेम पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आपके टोन कर्व में होते हैं। अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूँ तो इसके साइड भी एक साइड होता है वो डार्क साइड होता है, यानी आपका ब्लैक वाला साइड, एंड एक साइड होता है आपका राइट साइड वाला पॉइंट, वो होता है व्हाइट वाला पॉइंट। अब इसके बीच में जो तीन वैल्यूज लाई करती हैं जैसे कि आपके टोन कर्व में करती थी, यानी कि हाईलाइट, मिड टोन एंड शेडो एंड ब्लैक, ये पाँच पॉइंट होते हैं यहाँ पे सेम। अब जो ब्लैक वाला लेवल होता है उसको जनरली काउंट करते हैं 0 से एंड वो जाता है आपका 100% के ऊपर, यानी कि व्हाइट पॉइंट के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में सारी वैल्यूज लाई करती हैं। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये आपको वेव के फॉर्म में दिखाई देती हैं। अब जो ये वेव है अगर आपके लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आपको दिखेगा कि इमेज जो है वो अंडर एक्सपोज होना स्टार्ट हो रही है। अगर ये वेव राइट साइड में जा रहा है तो आपकी इमेज ओवर एक्सपोज होना स्टार्ट हो रही है। तो इस वेव को ही हमको कंट्रोल करना होता है एंड देखना होता है कि ये जो दोनों साइड हैं उन दोनों साइड को टच ना करे। बिकॉज ये जैसे ही वेव किसी एक साइड पर टच करना स्टार्ट करती है, या अगर ये ब्लैक साइड पर टच करना स्टार्ट करती है, तो आपका जो शेडो का इन्फॉर्मेशन है वो कम होना स्टार्ट होता है आपकी पिक्चर से। एंड अगर ये जो वेव है आपका राइट साइड में बहुत ज़्यादा मूव करता है एंड वॉल को टच कर जाता है, तो इसका मतलब आपका जो आपका हाईलाइट का यानी व्हाइट वाला डेटा है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है क्लिपिंग का। अब क्लिपिंग का मतलब ये होता है कि जो दोनों में आपको वॉल साइड बताए थे, यानी एक जो आपका ब्लैक वाला साइड है एक आपका व्हाइट वाला साइड है, तो जो ये वेव है अगर ये वेव एक साइड पे वॉल को क्रॉस कर जाता है, दैट मींस कि आपका जो एक साइड की इन्फॉर्मेशन है वो अब रिमूव होना स्टार्ट हो गई है। एंड सेम अगर आप इस साइड भी अगर देखोगे, आपका जो वेव अगर डार्क साइड की तरफ बढ़ रहा है एंड इस वॉल को क्रॉस कर जाएगा, दैट मींस कि आपका शेडो का जो इन्फॉर्मेशन है वो अब लॉस्ट होना स्टार्ट हो गया है। एंड यानी जो आपकी पिक्चर में इन्फॉर्मेशन है शेडो एंड हाईलाइट से रिलेटेड वो अब मिसिंग हो चुकी है। एंड उस इन्फॉर्मेशन को आप पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू वापस लाना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इस इमेज को देखिए, ये इमेज मैंने कैप्चर किया है मोबाइल के थ्रू। अब मोबाइल में हिस्टोग्राम तो होता नहीं है तो उसका जो ड्रॉबैक है वो आपको दिख जाएगा इजीली। अगर आप इसमें दिखाऊं आपको हाईलाइट वाला साइड, यानी कि आपका जो एक सबसे ब्राइट वाला एरिया है वो आप देखोगे तो वो ओवर एक्सपोज हो चुका है। अगर मैं इसको हिस्टोग्राम से क्लिक करता, अगर हिस्टोग्राम मतलब अगर मैं कैमरे से क्लिक करता तो एन हिस्टोग्राम का यूज़ करता, तो मुझे मालूम पड़ता कि मेरी इमेज में हाईलाइट वाला एरिया है वो ब्लोन आउट होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अगर मैं इसको बहुत भी रिकवर करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देखोगे मैं इसको बहुत भी रिकवर करूँगा तो भी ये एरिया जो आप देख सकते हो इस वाला एरिया है ये ब्लोन आउट हो चुका है, यानी कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिमूव हो चुकी है। यानी मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को वापस नहीं ला सकता। सेम अगर कोई अगर बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज पिक्चर है तो वहाँ पे अगर मैंने उसको बहुत ज़्यादा डार्क वे में क्लिक किया है एंड उसको अगर मैं रिकवर करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पे मुझे ग्रेन्स दिखाई देने लगेंगे। दैट मीन्स कि वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, आपका जो वेव है वो ब्लैक साइड को पार कर चुका है। ना इसका ये मतलब ही नहीं है कि अगर आप जो वेव है उसको सिर्फ मिडिल में ही रखो, क्योंकि अगर आप मिडिल में रखोगे तो जो आपकी पिक्चर में से कंट्रास्ट वाला इशू है वो अगर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पिक्चर फ्लैट हो जाएगी, डल हो जाएगी, उसमें
कोई भी कंट्रास्ट नहीं रहेगा, जो कि वो भी परफेक्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हिस्टोग्राम का रोल जो है वो निकल के आता है। ये आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देता है कि आप हिस्टोग्राम को कैसे बचा सकते हो, शैडो को कैसे बचा सकते हो, बल्कि ये आपको सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन देता है, फुल इन्फॉर्मेशन देता है कि आप अपने सीन पे फुल कंट्रोल ले सको। जब अपने सीन पे आप कंट्रोल ले सकते हो, आपको पता है कि हाँ आपका जो इमेज कहाँ पे ओवर एक्सपोज होने वाला है, कहाँ अंडर एक्सपोज होने वाला है, एंड कहाँ पे आपको अपने सेटिंग्स में चेंज करके अपनी जो वेव है उसको कंट्रोल करना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको हिस्टोग्राम ही देता है, एंड जिसकी हेल्प से आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में जो है अच्छा काम कर सकते हो। लाइक फोटोग्राफी एक क्रिएटिव आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस इमेज को दिखाऊं तो ये इमेज बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है एज ए फोटोग्राफर मेरी यही है कि ये पिक्चर डार्क रहे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्स हैं वो विजिबल रहें। अगर मैं अब हिस्टोग्राम पे रहूँ, डिपेंडेंट रहूँगा, तो हिस्टोग्राम मुझे दिखाएगा कि पिक्चर बहुत ज़्यादा डार्क है, बट मुझे यहाँ पता है कि हाँ मैं इमेज को डार्क करना चाहता हूँ, इसलिए हिस्टोग्राम मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड मुझे इन्फॉर्मेशन उस टाइम मुझे पता है कि हाँ मुझे क्या किस तरह की फोटो क्लिक करनी है, एंड इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप बाद में विजुलाइज कर लो एज ए फोटोग्राफर कि आप अपनी इमेज को कैसा दिखना चाहते हो। तो आई एम डैम श्योर कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपके लिए यूजफुल रही होगी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन बताना मत भूलना, एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे याद आया लास्ट टाइम के जो कॉमेंट्स हैं वो पढ़ने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहला कमेंट है वो है सेंटेक नॉलेज का, ये लिखते हैं भाई कैसे समझ जाते हो हमारे दिल की बात। तो बस भाई ये दिल का कनेक्शन है, अपने आप जुड़ी जाता है, एंड एक्चुअली क्या है कि जो सारी रीजंस हैं ये वीडियोस बनाने की ये मैंने खुद फेस की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर इस तरह के रीजंस जो फेस कर रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ईजिली समझा दूँ। तो भाई ये कनेक्शन इस तरह बनाए रखो, अपना सपोर्ट बनाए रखो, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हमेशा जो दिल की बात है उस तरह मैं पहुँच जाऊँ। नाउ नेक्स्ट कमेंट है वो है प्रभास ग्रेंजर का, अब आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं, अगर गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। ये लिखते हैं नाइस वीडियो ब्रो, आई कैन सी द सक्सेस ऑफ दिस चैनल इन कमिंग मंथ्स, God bless you, love you from Guwahati, Assam, India. Thank you so much, love you so much, brother. And definitely, यार अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो शायद हम लोग इस तरह और ग्रोथ करते जाएंगे बहुत तेजी से, तो इसलिए अपना सपोर्ट बना के रखो हमेशा इसी तरह। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी के ट्रिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है, एंड इसी साथ मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय, पीस।